हे एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू की भुजिया। ये आलू की भुजिया कुछ ही इंग्रेडिएंट से बन सकती है। तो ये देखिए, हमने 3 से 4 आलू लिए हैं। इनको अब हम छील लेंगे। इनको मैंने छील लिया है, ध्यान से छीलिएगा। तो यहाँ पे मेरे आलू छिल चुके हैं, अब इनको हम कट कर लेंगे। पहले हम आलू को सर्कल में कट करेंगे। मैंने आलू धो लिए थे छीलने के बाद, आप भी उसी तरीके से पहले आलू को छील लें फिर काटें। तो पहले हमने सर्कल में काट लिया, अब इसको लंबा लंबा काटेंगे, ध्यान से काटना, और थोड़ा पतला पतला भी काटेंगे। इसी प्रकार हम सभी आलू को काट लेंगे, इस तरीके से मैं काट रही हूँ। ये देखिए, हमारे सभी आलू कट के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम उनको तड़का लगाते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को भी हम काट लेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने सभी हरी मिर्चों को एक साथ काट दिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें रिफाइंड ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है। इसको अब हम अच्छे से घुमाएंगे। ये देखिए, हमारी हरी मिर्च कितने अच्छे से भुन चुकी हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे आलू, इनको जिसको हमने अच्छे से काट लिया था पतला पतला। अब हम आलू डालने के बाद इसको अच्छे से घुमा देंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक घुमाएंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च और हल्दी। ये देखिए, मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाला था। आप नमक अपने टेस्ट अनुसार भी ले सकते हैं। और यहीं पे मैंने डाला 1/2 से थोड़ी कम लाल मिर्च, और उसके बाद हम इसको चला देंगे। ये देखिए, नमक डालने के बाद कितना पानी निकल आया आलू में से। तो चलाने के बाद, इसके बाद मैंने डाल दिया था हल्दी। इसके बाद हम फिर चला देंगे ताकि हम हल्दी अच्छे से भुन जाए इसमें आलू में। उसके बाद हम इसको एक प्लेट से ढक देंगे। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, तो आप भी मत डालिएगा। तो ये देखिए, मैंने 10 मिनट बाद प्लेट हटा ली है। आलू को हमें लो फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। ये देखिए, हमारे आलू भी गल चुके हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। अब इनको हम किसी प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सर्व कर लिए हैं आलू को प्लेट में। आलू बनकर रेडी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ऐसी मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।